और किताबाब का सबक नंबर सत्रह <खेख> तो पहले रीडिंग करते हैं फिर इनशा इसमें होने वाले इस्तेमाल होने वाले कवायद पे बात करेंगे अलमुदर रिस अदरसुस आशारा सत्रवा सबक अल्मर उस्तास लिमा खरज था निकले हैं आप खरज था आप निकले हैं मे अलफली क्लास से या अम मारो अम्मार अमार कहते हैं खरज तो अलमा मैं निकला हूँ क्लास से ताके मैं पीऊं अलमा आ पानी वो राजा और क्यों निकला आपके साथ यासिर कहता हुआ वो निकला था लिया वजह ताकि वो धोए वजह अपने चेहरे को हमायूं कहते हैं या उस्ताजू? आना उरीदू अना हा ना अजलिसा होना अमामक मैं चाहता हूं बैठना होना यहां अमाम आपके सामने एक लफ्ज़ होता है इमाम एक होता है अमाम अमाम सिमत के लिए डायरेक्शन के लिए और इमाम जो जिसकी पैरवी की जाए मुख्त हो खैर इसी से लफ्ज़ ओम भी मना है मक आदि बेदानक मेरी जो बैठने की जगह है वो दूर है अनका आपसे वामिन हुना का और यहाँ से ला अरा मैं नहीं देख पाता माँ तख बू जो आप लिखते हैं तख्ता परस कहता है युमकन का होना अब तुम्हारे लिए यहाँ बैठना मुमकिन है आप यहाँ बैठ सकते हो हाद काद हमजा लेकिन मसला ये है कि हाज़ा ये मकादू बैठने की जगह है हम जाता हमजा की वह इबन और वो गैर हाजिर है मुंजू उस एक हफ्ते थे हफ्ते से इस माऊ या अपनाई सुनो हुआ बेटो तब दा शुरू हो रही है उतल तो सैफी गर्मियों की छुट्टियां बाद शहरिन एक माहबाद नजूना कहाँ जाओगे फी इन छुट्टियों में आप इन छुट्टियों में कहा जाओगे तो बाजु तो कुछ तलब गोया होते हैं कहते हैं नीद हम चाहते हैं अनबा इलाबी लादिन कि हम जाएं अपने मुल्क अपने शहर <coughs> कहता है अलमुदरस अंता अंताब अंता हाशिम आप कहा जाना चाहते हैं हाशिम हाशिम कहता है उरीदू मैं चाहता हूं मिस्र के मैं मिस्र जाऊं मैं मिस्र जाना चाहता हूँ अल मुदरिस मुदरिस कहता है

तो वो पढ़ता है जाम अजहर में यहां पे ये बात जो है वो याद रखने वाली है मिसर आमतौर पे किसी भी शहर को मिसर कह देते हैं खैर कैसे शहर वो कहते हैं इसकी जो है वो अलग बात लेकिन जब मिसर से कोई भी शहर मुराद हो तो उस पर तीनों तरह की हरक़त आती हैं ज़बर जेर पेश तीनों तरह की आ जाती हैं लेकिन जब मिसर से मुल्क मिसर मुराद हो जो कि ख़ास एक मुल्क है फिर मुराद हो तो फिर उस सूरत में उस पर सिर्फ दो तरह की हरकत आती हैं या फिर ज़बर आएगी या फिर एक पेश आएगा ना तनवीन आएगी और ना ज़ेर आएगी कसर आएगा क्योंकि वो गैर मुनसरफ है ये जहन बात रखें याद रख लें आप अपने मुल्क नहीं जाना चाहते यूसुफ कहता नाम जी हाँ लाउदू नहीं मैं चाहता मैं इस साल जाऊं इस साल अपने शहर अपने मुल्क मुर्द लंदन मैं जाना चाहता हूं लंदन हूँ लंदनजियत ताकि मैं अंग्रेजी जुबान वहां सीख सकूं हुनाक वहां अलमद्रंदरस कहता है तो यहां भी आप ये भी गौर कर कि यहां पे हुना करीब के लिए और हुक दूर के लिए यूसुफ कहता है नाम यहाँ यानी कि नाम हुना का मतलब यहाँ कर लें और हुना का मतलब वहाँ कर लें यूसफ़ कहता है नाम जी हाँ लाकिनक मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है बल क्योंकि मेरे जो शहर के लोग हैं मेरे मुल्क के जो लोग हैं यदरसूल ़त फ्रांसिया वो फ्रांसीसी ज़ुबान पढ़ते हैं वला अल ़अल इनकली अंग्रेजी जुबान नहीं पढ़ता यानी कि वहां पढ़ने का इंतजाम नहीं है अंग्रेजी जुबान इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा। वहां जाना चाहता हूँ लंदन मदरस कहता है फी फी आमिल या फी किस डिपार्टमेंट में किस कॉलेज में या डिपार्टमेंट में तुरद आप चाहते हैं के पढ़े अंत या मा सी आम, फिल्मबल मुदरिस कहते हैं फि किस कुलिया में फिर फि यूसुफ से आ, नहीं नहीं ये मुखातिब किसी और से है मरवान से फिर फिर कुल तरीदिलमकबिल तो आइंदा साल आप किस डिपार्टमेंट में किस कुलिया में कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं अमरवान मरवान मरवान कहता है उीदान शरिया मैं शरिया शरिया डिपार्टमेंट जो है उसमें पढ़ना चाहता हूँ मूसादरस उमदरिस कहता है फिर ये या मूसा मूसा आप किस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं मुदबुसा कहता है, लाइम कि उन्होंने अन बिल जाम फिल आमिल मैं मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं पढ़ूँ यूनिवर्सिटी में आइंदा साल मकबिल का मतलब आने वाला ठीक है मुकबिल भी कादिम भी दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं आइंदा आने वाले के लिए। का। ये इस वजह से है क्योंकि मैं मरीज हूँ जाना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ इलाज इलाज के लिए मुद्रेस कहता है शफाक आपको शफा दे अमर कहता है या उस्ताजु यकादुल जरसु यरिनु करीब है कि घंटी बजे अर्जु मुझे उम्मीद है अन तस्मा अली लना बिल आप मुझे इजाजत दें हमें इजाजत देंगे बिल जाने की अलान अब कबल अखरुजतुल्ला बुला हरून इससे पहले के निकल जाएं दूसरे तालब तो पिछले इसबाब में आखिर लफज इस्तेमाल किया था आखिर तो आखरून की आखिर की जमा

सवालत थे सबक के मुतालिक वो ये हैं अजीब अनिल अस आने वाले सवालों का जवाब दीजिए लिमादा खराज और क्यों निकले ठीक है खराज आरो व यासर उन जी खराज इसलिए निकला वो क्या करे पानी पिए विकला यासिर इसलिए निकला सॉरी या वो चेहरा धोने के लिए लिया गसीला वजह ताकि वह धोए अपना चेहरा तभी इनशाला मैं कवायद के मुतल बात करता हूँ जय पहले सवाल के जवाब देखते हैं जी आयुदू हाशिमुन हबाफी स कहा जाना चाहता है हाशिम फेल सैफ उतला, उतला तातील ये सारे जो हैं वो छुट्टियों के माना में इस्तेमाल होते हैं जी कहाँ जाना चाहता है गर्मियों की छुट्टियों में हाशिम हाशिम चाहता है वो कहाँ जाए याशिम इला मिसरा आशिम कहाँ जाना चाहता है मिसर किस लिए ताकि वो लिया जोरा अख़ाहु ताकि वो ज्यारत करे अपने भाई की लिमाता यदी इला लंदन यूसुफ लंदन क्यों जाना चाहता है यूसुफ यूस जो है युदीद रूसा अल इनके हुनाक यूसुफ़ लंदन इसलिए जाना चाहता है ताकि वो जा वहाँ जाकर अरबी ज़ुबान सीखे फी अयुलयियत यद मरवानदरसा मरवान किस डिपार्टमेंट में किस कुलिया में जो है वो पढ़ना चाहते हैं यीद मरवान फी फ़ीकुल्लियति शरिएती शरीती के वो शरिया कुलिया जो शरी जो है शरिया डिपार्टमेंट में उसमें पढ़ना चाहते हैं जी अच्छी एक आ, मा कॉ मा कल फराग फरागाती हुआ है हमायों और उस्ताद के दरमियान वो पढ़िए फिर आपने जो खाली जगह हैं वो पुर करनी है फिर आपने पुर करनी है खाली जगह फीमा याली जो के नीचे आई है अलाजो एजालिक जो आपने ऊपर मुकालमा पढ़ा उसकी रोशनी में जो रोशनी में जालिक उसकी जी तो यहां पे आ, देखें जी आगे अब हम पढ़ चुके हैं तो हमायून हम आय अमामसी لأن مقعده بعيد عن ولا يمكن له ينظر يكتب المدرس على उसताजी वाला और यानी कि हिमाऊ चाहता है वो बैठे उसताज के सामने क्योंकि उसके बैठने की जगह दूर है उसताज से और नहीं है वो देख सकता जो है वो तख्ता सिया को उसने क्या कहा था वहां हाँ तो मिन हुना का लरा क्योंकि मिन हुना का वहां से इसका यहाँ भी ये कर लेते हैं मिन हुना का मरा वमिन वाला अयरा वालामकिन लहू अयरा मा यरा, वाला सबूरा ठीक है जी ये पूरा जुमला मुकम्मल हो गया अब आखिर सवाल ये सिंपल सादा सा है वो ये बिहाद ये सवाल उस्ताज हर स्टूडेंट से पूछे ये सवाल कि आ रीदी क्या आप गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ गुजारना चाहते हैं जी तो उस्ताद हर किसी से सवाल करे फिर वो जवाब दे तो वो चाहे वो बताए कि अना उरीदू अन अजहबी सैफ़ी सिर्फ इला का इजाफा आइन आइना निकाल दें और तुरीद की बजाय उरीद कर दें और तसहबू के बजाय अजहब कर दें तो जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाएगा फिर उसके बाद इला जहाँ आप गुजारना चाहें छुट्टियां वहाँ उसके आगे इलाका इजाफा करके उसका नाम ले दे लाहौर गुजरा वाला जिस तरह भी आप जहाँ भी तो यूं एक जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा आपको एक अरबी का जुमला आ जाएगा चौथे नंबर पे है उस्ताद जो है वह हर तलेब इलम से यह सवाल भी पूछेगा फी आई कुलियतरी किस डिपार्टमेंट में आप पढ़ना चाहते है? तो अब फी आई की जग... बजाय तुरी तुरीदु की बजाय उरीदु आ जाएगा और तदरस के बजाय आ जाएगा अन उरीदानस फी शरयती फ़िकलीति तबी फ़िकली हंसती जिस जिस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें वो जो है फ़ी की बाद उसका इजाफा कर देंगे उरीदू की बजाय तुरीद की बजाय उरीद और तदरस के बजाय ये ना मुजारे के इस्तेमाल आप सीख रहे हैं कैसे कैसे करते हैं अभी एक बात मैं बताता हूँ अभी जो इस बक में बतुर खास इस्तेमाल हुई है ये स्कूल में तो लाभात सवाल जो है वो हर तलबिल से सवाल करे लिमाजा खर्ज तिनल फसली आप क्लास से क्यों निकले तो जवाब देने वाला जवाब कैसे देगा एक तो ये खर्ज तो मिनल फसली लिमाजा खतम जवाब में कहेगा खरश तो मिनल क्लास से निकला था तामा। मैं क्लास से निकला था क्योंकि ताकि मैं खा लूं खाना अब ये बात याद रखें कि आ, किस लिए किस वास्ते ये जो है वजह बताने के लिए यानी कि हम जो एक तो निकलना हुआ एक हुआ कि किस वजह से जो वजह आप बताएंगे वजह बताने से पहले लाम का इजाफा करेंगे जिससे लामे जो है वो कई कहते हैं ताकि वजह बताने के लिए इल्लत बताने के लिए कि यस मैंने काम क्यों किया ठीक है तो मिसाल के तौर पर यहां पे आप देखें मैं कहता हूं खरज तो मिनल फसली खरज तो मिनल फसली मैं निकला था क्लास से ताकि मैं वजू करूं तो वजह जो बताएगी वो लाम के बाद फेले मुजारे का इजाफा करने के बाद वो बताई जाएगी उम्मीद आपको समझ आ गई होगी फैकुल तो बस वो कहेगा खर्ज तो ली ली खरज तो ली ली के बाद जो भी उसने कहा मुख्तार और मिन इसबाब लातिया तो क्या करेगा इख्तियार करते हुए आने वाले जो इसबाब हैं कोई भी व तख्तबू हाज ही और जो ये असबाब हैं इनको वो तख्ता से तो कुछ भी अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास क्या है आ, हमारे पास क्या है मिसाल के तौर पर हमारे पास अब यहाँ पे अम्म ये सारे अफाल मौजूद हैं उसने सवाल हमें निकाल के दे दिए हैं ठीक है जी तो मैं एक एक जुमला बनाता हूं यहाँ पे एक, -एक आप हाँ, समझते जाए फैकूल खरज तो खरज तो अद्थ, मैं निकला ले अशरा बल मा आ ले ले अशरा बल मा आ ले अशरा बल मा आ खरज तो ले अद ले अद मेरा हाजा मैं निकला ताकि मैं वॉशरूम जाऊं अच्छा खरज तो ली अग ले अग सिला वज ही मैं निकला ताकि मैं अपना चेहरा दूं खरज तो ली अजहबा इल मुदीर निकला ताकि मैं जाऊं मुदीर की तरफ खर्ज तू मैं निकला लि आखुजा दफ्तरी ताकि मैं अपना अपने दोस्त से ले लू खर्ज तू निकला मैं निकला ली ली अकराल लि अकराल एलाना ताकि मैं नोटस जो है वो पढ़ लूं क्या ऐलान है वो पढ़ लूं अच्छा खर्ज तो मैं निकला ली लिअा बस ये मैं निकला क्लास से इसलिए ताकि मैं जान लू शोर होगा जो है ये शोर की जो वजह है वो मुझे मालूम हो जाए खर्च तू मैं निकला जलीसा फिर शम्स मैं निकला ताकि मैं बैठू धूप में खर्च तू मैं निकला ले अब सूखा ताकि मैं थूक लू खर्ज तू मैं निकला निकलासा अन मफताही ताकि मैं अपनी चाबियां ढूंढ लूँ फर्ज तो मैं निकला अस आला मुदर रिक ही सवालन ताकि मैं फिका क्या जो उस्ताद है उससे एक सवाल जो है वो पूछ लू ठीक है तो ये उन्होंने बताया कि आप लाम के बाद जो भी अपनी वजुहत हैं उनका तस्करा आप लाम के बाद करेंगे जब आपसे पूछेगा का, फलां काम आपने क्यों किया ठीक है तो क्यों के जवाब में आप लाम लगाने के बाद वो वजह बताएंगे जिस वजह से आपने वो काम किया होगा उम्मीद आपको समझ आ गई अब यहां पे एक काबिल गौर और काबिल तवज्जो बात और शायद आपने नोट किया हो कि यहाँ पे है अशरबु अद हलू अजहू आखुजु खजू तो यहां पर गौर करें सारे जो फेले मुजारे हैं इन सब के आखिर में पेश आ रही है लेकिन जब हमने ला लगाया ला लगाने के बाद सब के आखिर में पेश की बजाय जबर आ गई ठीक है तो अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो ये है कि फेल मुजारे की उमूमी तौर पर आमतौर पर जो हरकत होती है वो पेश ही है यानी कि फेल मुजारे पर क्या आता है हमेशा पेश आती है बशर्ते कि वो किससे खाली हो नवासिब और जवाजिम से नवासिब उन हरूफ को कहते हैं जो फेले मुजारे पर दाखिल होकर उसको क्या रख देते हैं नसब यानी कि जबर दे देते हैं और जवाजिम उन हरूफ को कहते हैं जो फेरे मुजारे पर दाखिल होकर उसको क्या रख देते हैं जज्म दे देते हैं तो जो नवासिब हैं वो यानी कि जो फेले मुजारे पर दाखिल होकर उसको नसब देते हैं तो फेले मुजारे बुनियादी तौर तो पर यह फेले मुजारे अफ़ाल में असलियत क्या है अफ़ाल में असलियत यह है कि वो मबनी होते हैं मबनी से क्या मुराद मबनी से यह मुराद कि अफ़ाल में जो हरकत होती है आखिरी हरफ की वो तब्दील नहीं होती लेकिन मुजारे जो है वो वाहिद ऐसा है जो मौरब होता है मबनी की बजाय इसलिए इसकी हरक़त जो है वो दोबारा बदलती रहती हैं बार, बार बार बदलती रहती हैं इसकी हरक़त जो हैं किसकी मुजारे की तो कभी मैंने बताया कि इसके आखिर में क्या आती है ज़बर कभी पेश और कभी जज्म तो ये तीन हरकत आती हैं तो फेले जो फेल मुजारे है यानी कि फेल की जो असली हरकत हैं वो यही हैं ये बात याद रखें फ़र्क के तौर पर नंबर एक के जो इसम है उस पर जज्म नहीं आती उसके आखिर पर कभी जज्म नहीं आती यानी कि फेल मजूम फेल जो है इसम जो है वो मज़ूम नहीं हो सकता फेल के आखिर में जजम नहीं आ सकती और दूसरे नंबर पर याद रखने वाली बात यह है कि फेल मकसूर नहीं होता फेल पर जेर नहीं आती और इसम पर जज्म नहीं आती बात समझ आ गई खैर ये एक बात और आगे निकल गई हम जरा इसकी बात जो कर रहे थे उसको पहले देखते हैं तो यहां पर यह कहा अब नवासिब और जवाजिम नासिबा यानी कि वो हरूफ जो फैल मुजारे पर दाखिल हों तो फैले मुजारे पर दाखिल उसको क्या कर देते हैं नसब देते हैं तो वो कौन से थे इजन। ये चार हैं याद रख लें रूफ नासिबा फैले मुज़ारे पर दाखिल होते हैं और उस पर क्या उसके आखिर क्या देते हैं नसब देते हैं और अब नसब कैसे आएगी जो पाँच सीगे जहाँ पेश आ रहा था जमा आ रहा था अब वहां जमना के बजाय क्या आ जाएगा वहां अब जम्ना के बजाय फतेह आ जाएगा और जो सात सी जिनके आखिर में नून रबी आ रहा था चार तस्निया के दो जमा मुजक्कर के एक वाहिद मुन्नस हाजिर का वो नून गिर जाएगा जो कि पेश की जगह आ रहा था अब क्योंकि पेश नहीं है उसका काम भी बाकी नहीं रहा ठीक है ये बात समझ आई अच्छा अगली बात यह है अब सवाल ये है कि आपने देखा कि जो लाम है ना तो नासिबा में है ना जामा में है लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि लामे जारा जो होता है दर हकीकत वो किस पे दाखिल होता है लामे जारा वो दाखिल होते हैं इसम पर फेल पर तो दाखिल नहीं होता इसलिए ये लाम फेल मजारे पर तो दरख्त दाखिल नहीं हुआ यह किस पर दाखिल हुआ अन लफ पर गोया इसका मतलब ये हुआ कि जो लामे कई जिसको कहा जो वजह और सबब बताने के लिए फेल के ऊपर दाखिल हुई है इसके बाद हमेशा अन पशीदा होता है छुपा हुआ होता है इसी छुपे हुए होने की वजह से फेले मुजारे के आखिर में हमेशा नस्ब आती है उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई इसे लामे तालील भी कहते हैं ठीक है ठीके? तो ये एक मतलब वजह बनी के मुजारे के आखिर में नसब क्यों आ रही है अगली बात जो है वो आगे चलते हैं तो ये ली नीचे आने वाले जो अल्फात हमको पढ़िए मुस्तौसफ मैं जाना चाहता हूँ डिस्पेंसरी की तरफ अन मैंने बताया था ना अन तो अन के मुताल या जो है वो याद रखना चाहिए के ये फैले मुजारे पर जो अन लन कई ईज़न है ना कई अन लन कई ईजन ये दाखिल भी होते हैं और नसब भी देते हैं ये बात ये एक और मानवी तब्दीली करते हैं वही क्या के ये मुजारे को मुस्तबिल के साथ खास कर देते हैं कि मैं चाहता हूं मैं जाऊं यानी कि मैं जाता हूं अन के बाद अब इसका तर्जमा मैं चाहता हूँ मैं जाता हूँ यूँ नहीं हो सकता मैं चाहता हूँ मैं जाऊं कब आइंदा वक़्त में तो गोया दूसरी बात यहाँ पे ये यह हुई कि अन जो है वो नासिबा होने के साथ यानी कि फेले मुजारे को नस्ब देने के साथ साथ क्या है फेले मुजारे को मुस्तबिल के साथ भी खास करता है और तीसरी बात ये कि अं मसदरिया भी होता है मसदरिया भी होता है मसदरिया से क्या मुराद मजदरिया से मुराद ये कि जहां जैसे फेल है तो अजहाबू किससे बना है जहाबन से जाना से तो अगर हम अजहबु के बजाय मस्तर जिक्र कर दें तो तो यहाँ पे एक जुमला ये भी बन सकता है उरीद ज़हाबा उरीदाबास्तफ मैं चाहता हूँ जाना इल डिस्पेंसरी की तरफ तो उरीदु अन अजहबा मैं चाहता हूँ अन ये कि अजहबा मैं जाऊं तो यहाँ यानी कि वो अगर मस्तर भी रख दिया जाए तो माना ठीक बैठे तो इसको क्या कहते हैं जो है वो अन मस्तरिया शयन। मैं कुछ कहना भूल गया हूँ आपको मैं भूल गया हूँ अनकुल मैं कहूँ लगा आपको शैन कुछ उरीदू मैं चाहता हूँ करीमा मैं कुरान करीम करूं नसीतुबा मैं चाहता हूँ ये कि मैं लिखूँ सबक उरीद अनादुरुसा अरबिया

इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़े नसीतुन मैं भूल गया एड्रेस लिखना अला लफाफे पर जो का लफाफा होता है उस पर मैं एड्रेस लिखना भूल गया तो आपने सब मिसालों में देखा कि यहाँ अन के बाद जो फेल आया उस पर क्या आई थी हमेशा नसब जबर आई और दूसरा ये भी आपने गौर किया कि सब का जो माना था वो मुस्तबिल के साथ खास हो गया तीसरा आपने भी गौर किया मैं चाहता हूं करना हमने सिर्फ मस्तरी माना किया तो वो माना जुमले का दुरुस्त बैठा इसलिए मजदर को जिक्र करते हैं फिर भी माना दुरुस्त बैठेगा अच्छा और याद रखें सबके फेलों के बाद जितने भी आ रहे हैं कोई भी जैसे कुरान है दरस है अल रबी है ये सारे मफूल बिही होने की वजह से मंसूब हैं और मफूल बिही पर यानी कि मफूल भी क्या होता है वो इसम जिस पर फाइल का फेल वाक हो यानी कि जिसके साथ कोई काम किया जा रहा हो तो वो मफूल भी होता है और मफूल भी ही को क्या कह हमेशा मंसूब होता है और ये भी बात याद रखें कि यहां उरीदु नसीतु उदु नीदुरीदू तो सब के बाद जहाँ अन आ ना रहा है तो अन के बाद आने वाला जुमला जो है वो मजदर की तावील में होके अन के बाद वाला जुमला सारा क्या बनता है मफूल बिही बनता है मैं मैं भूल गया मैं किसको भूला मैं कुछ कहने को भूल गया तो वो सारा मफूल भी यानी कि अन के बाद ये मसर की तावील में होके सारा जुमला मफूल भी बनता है अजीब अजय मुस्तामिलन अनता कहता जी जा, सवालों का जवाब दीजिए अन, अन अन का इस्तेमाल सॉरी अन का इस्तेमाल करते हुए अतुरीदबा फिर सैफ़ नुरीद अजहबा फिर सैफ लाहौर ठीक है यहाँ तुरीद की बजाय उरीदु कर दें तजहब की बजाय अजहब कर दें <सकी> लाहौर लिमा अरबिया क्यों आप पढ़ना चाहते हैं अरबी जुबान उरीदरबियत लोतुल्कुर मैं अरबी जुबान इससे पढ़ना चाहता हूँ कुरानी करीम की जुबान है मन तुरीद किसके साथ आप खेलना चाहते हैं उरीदबा माखी मैं चाहता हूं मैं अपने भाई के साथ खेलूं मीन पाकिस्तान मैं रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनता हूँ मजा तुरी सु... सुनूंगा सॉरी मैं चाहता हूँ मैं सुनू खबरें चाहते हैं उसे पूछें किस रेडियो से आप खबरें सुनना चाहते हैं माजा तुरी दुआ अंता शराबा या आखी अः भाई आप क्या पीना चाहते हो उरी दुआ ना शराबा मैं चाहता हूं कि मैं चाय पीऊं लिमा तुरी दुआ अंता साहब तबीब आप डॉक्टर की तरफ क्यों जाना चाहते हो उरीदु ली अन आज अजहबा इल तबीबी ली अन्ना नी मरीजुन मैं डॉक्टर की तरफ इसलिए जाना चाहता हूँ ली मरीजुन क्योंकि मैं मरीज हूँ माजा तुरीदु अंताकुल आशा फिल आशा रात के खाने में आप क्या खाना चाहेंगे उरीदुल्लाशा अरुजा मैं चाहता हूं मैं जो रात का खाना है उसमें क्या खाऊं चावल खाऊं माजा नसीत आप क्या भूल गए मैं सब कुछ भूल गया हूं तो यहाँ जब उरीदु तुरीदु वगैरह नहीं था कुछ भी तो वहां खाली जुमला हमने इस्तेमाल किया मसम कहता जी मिसालें पढ़िए लाम तालील को सामने रखते हुए कि जो लाम है वो कैसे फेल पर दाखिल हुआ और कैसे उसने उसको नसब दिया और कैसे उसने वजह के तौर पर बताया कि वजह बन रही है पुलान चीज़ें नद रसुलरबिया हम पढ़ते हैं अरबी जुबान करीमी सन्बी शरीफ ताकि हम समझें ताकि हम समझें पढ़ने की वजह लगा अरबी पढ़ने की वजह ताकि हम समझे क़ुर करीम

दखल तो हम्माम गुजर खाने में दाखिल हुआ था कि मैं अपना चेहरा धो जहाब तो मकतबिल बरीद जात नहीं में नबी मैं डाखाना गया ताकि मैं वो खत पकड़ लूँ